वैसे आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा रोज ही की जाती है, लेकिन नवरात्रि पर देवी आराधना का महत्व और भी बढ़ जाता है। शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। नवरात्रि को लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां अंतिम चरण में है। देवी आगमन से पहले मंदिर को सफाई कर चमकाया जा रहा है। देवी पूजन को लेकर भक्तों में बड़ा उत्साह दिख रहा है। अलोपी बाग स्थित माँ अलोपशंकरी मंदिर में भक्त सफाई करने में जुटे हैं। मंदिर को रंग रोगन चमकाया जा रहा है। देवी के मंदिरों को रोज अलग अलग रंगों में सजाया जाता है। इसके अलावा महिलाएं भजन कर माता को प्रसन्न करती है। नवरात्र चालू हो रहा है तो 9 दिन का इंसान का व्रत है। व्रत में पूजा पाठ करना है, भाव भजन करना है, बस यही सब करना है। साल में एक बार आता है, चैत का है, नवरात्र है, तो इसमें तो आदमी को भोजन करना है। बस यही है कि माँ जैसा मतलब अच्छा सा पूजा पाठ अपने घर में, अगर मंदिर हो तो आदमी अपने घर में पूजा पाठ करे, माँ के चरण में आए, यहाँ पे दर्शन करे, यहाँ पे चरण देते हैं इनका। क्या मांगती है माँ? माँ से बस यही मांगते हैं कि माँ बस शरीर इंसान की अच्छा रखिए, सब भक्तों का ही कल्याण हो, उनके पीछे अपना हो, बस यही माँ से मांगते हैं। माँ शरीर बनाए रखिए कि ताकि आपके दर्शन करने के लिए स्वयं हाथ इंसान का सलामत रखे। कल से नवरात्र चालू हो गया, हम लोग यहाँ 9 दिन पर बहुत सारी ढेर औरतें आती हैं माता रानी से, अलोपी मैया से, सभी मन्नतें मांगती हैं कि मेरा सुहाग बना रहे, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, धन दौलत भंडार भरा रहे, सबको प्यार बना रहे। अलोपी मैया सबकी मनोकामना पूरी करें, मेरी भी पूरी करें। मैं यहाँ डेली आती हूँ अलोपी मैया के लिए दर्शन करने, हमारी गोदी भर दे, यही मेरी मन्नतें पूरी कर दें और क्या। माँ की शक्ति है भैया अलोकशंकरी माता की, और उसमें भैया सभी लोग भगवान की अच्छे से लोग कलश रख के पूजा करते हैं और सभी की मनोकामना पूरी करती है माता। इसलिए नवरात्र तो महत्व देव है, पितृ के बाद जो है नवरात्र का ही महत्व बहुत ज़्यादा। इसमें लोगों को दशहरा है, हर चीज़ें राम की पूजा जो है विजयदशमी मनाई भी जाती है, तो लोग उसमें दशहरा में चौकियां हैं, ये है रामलीला जगह जगह होती है, तो माँ का तो है ही है 9 दिन का। क्या मांगते हैं भाई? आप में घर में सुख शांति समृद्धि धन धान, यही सब आदमी मांगता है कि जो इससे आपके परिवार को सही रहे, और क्या, बीमारियों से दूर रहे, सुख शांति रहे, घर में कलेश ना हो, ये सब माँ की है। माता जी जय लोक शंकरी माता जी की। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। विगत कई वर्षों की बात, इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा, माता रानी का स्वागत किया जाएगा। किस तरह तैयारी है आप लोग की? तैयारी बहुत अच्छी है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा पूरे सांसारिक भय, मतलब जो चीज़ें हैं, सुख समृद्धि सभी को प्राप्त हो, जनजीवन जो है तो जो अस्त व्यस्त है वो सब सही हो जाए। माता रानी यही चाहती हैं, हम यही चाहते हैं। जो कोरोना काल से मुक्ति मिले। जी जी जी, कोरोना काल जो भी था वो मुक्ति मिले, और फिर हम जैसे इसके पहले 2 साल पहले रहते थे उसके उसी बात इस वक्त भी रहेंगे।